कुल 39 लोगों की मौत हो चुकी है। बंगाल पंचायत चुनाव में बूथ लूटे गए, जगह जगह हिंसा हुई। 8 जून को जब चुनावी तारीखों का ऐलान हुआ, उसके बाद से वोटिंग तक 17 लोगों की हत्या हुई और वोटिंग डे से एक रात पहले से अब तक 22 लोगों की हत्या हो चुकी है। इस रक्त रंजित चुनाव के बाद अब पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस आज शाम 6:30 बजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से नॉर्थ ब्लॉक में मुलाकात करेंगे और बंगाल में चुनावी हिंसा पर रिपोर्ट सौंपेंगे, जिसके बाद माना जा रहा है कि राज्यपाल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से लगभग 7:10 पर मिलेंगे। बंगाल में पंचायत चुनाव हुए या हिंसा का पर्चा कटा, इस पर सियासी बवाल आ गया। बीजेपी से लेकर कांग्रेस पार्टी सब मिलकर ममता बनर्जी पर हमलावर है। बीजेपी इस हिंसा की सीबीआई जांच की मांग कर रही है, तो हाल ही में पटना में विपक्षी एकता की महाबैठक में बैठे हम साथी कांग्रेस भी ममता को आंखें तरेर रही है। वहीं टीएमसी कह रही है ऐसे राज्यपाल की जरूरत बंगाल से ज्यादा मणिपुर में है। और हंड्रेड ऑफ पीपल वो लोग सीरियसली इंजर्ड है और कम से कम आउट ऑफ 61,000 बूथ 20,000 बूथ में पूरा कंप्लीट रिग हुआ। इस तो ये तो चुनाव खत्म कर दिया ममता बनर्जी और स्टेट इलेक्शन कमीशन की मिला भगत में चुनाव पूरा खत्म और बंगाल इज नाउ बर्निंग। द स्टेट गवर्नमेंट द इलेक्शन कमीशन द पुलिस द ट्रायम्फेट दे गॉट द टेमिरिटी ऑफ फ्लाउटिंग ईच एंड एवरी डायरेक्शन of the honorable courts upor theke delhi theke je bhabe onar kache adesh asche uni chesta korchen onar simabaddho ikhtiyar onujayi khomota onujayi jate shei adesh guno okkhore okkhore palon kora jay। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी आज कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंचे, जहां उनकी बंगाल पंचायत चुनाव हिंसा पर याचिका मंजूर कर ली गई। उन्होंने न सिर्फ हिंसा की स्वतंत्र एजेंसी से जांच की मांग की, बल्कि ये भी गुजारिश की है कि मरने वाले गरीब तबके से आते हैं, उनके परिवार वालों को मुआवजा दिया जाए। बंगाल की राजनीति विपक्षी एकता के दम की भी हवा निकालती है और अब जबकि कांग्रेस ने टीएमसी के खिलाफ स्टैंड ले लिया है, तो बीजेपी पलटकर कांग्रेस पार्टी से पूछ रही है कि क्या राहुल गांधी को खून बहाने वालों से गठबंधन मंजूर है। टीएमसी की पार्टी के साथ गांधी परिवार गठबंधन कर रहा है। मेरा गांधी परिवार से विशेष ये प्रश्न है कि क्या उनसे हाथ मिलाना मंजूर है उन्हें, जो पश्चिम बंगाल में कहर मचा रहे हैं, मौत के घाट लोगों को मात्र इसलिए उतार रहे हैं क्योंकि वो वोट करना चाहते हैं। मौत का ये खेला श्री राहुल गांधी को क्यों स्वीकार है? Why this kind of violence took place? As a consequence of which death toll of the state West Bengal has been continuing unabated, it is virtually going up. I urge upon the judiciary that an investigation should be conducted. वहीं AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने अपने हिसाब से पंचायत हिंसा में कुछ न कुछ निकाल ही लिया। कह रहे मरने वाले 20 लोगों में से 15 मुसलमान हैं, मुसलमानों को बलि का बकरा बना रही है टीएमसी और बीजेपी। इधर बंगाल में आज फिर से 697 बूथों पर दोबारा मतदान हो रहा है। कुछ बिहार जहां 53 बूथ में रीपोलिंग हो रही है, वहां कई जगहों पर हिंसा की खबरें आ रही हैं। बीती रात कांग्रेस की उम्मीदवार नूर लहर बीवी के घर पर हमला हुआ, आरोप है कि बम भी फेंके गए और उनके घर पर फायरिंग भी की गई। पंचायत चुनाव के नतीजे 11 जुलाई को आएंगे। 2024 के पहले ये चुनाव सबसे बड़ा चुनावी घमासान है, जो ये तय करेगा कि किसकी कितनी लोकप्रियता है, और शायद इसीलिए चुनावी हिंसा का ये चक्रव्यूह मजबूत ही होता जा रहा है, जो बंगाल का पीछा नहीं छोड़ता। आज तक ने भी अपने स्टिंग ऑपरेशन में दिखाया था कि कैसे 1,000 रुपए में ग्रेनेड और 500 में हाथ बॉम्ब खरीदा जा रहा है। चुनावी हिंसा का बाजार बंगाल में ऐसे सजता है और कमाल है कि पुलिस प्रशासन को दिखता भी नहीं। इस सियासी उफान के बीच बंगाल के राज्यपाल का आज राष्ट्रपति से मिलना क्या ऐसे संकेत देता है कि बंगाल में कुछ बड़ा होने वाला है? आज तक ब्यूरो।